फैम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और आज मैं नई वीडियो में हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी नॉर्मल वीडियो से। कैसे डिफरेंट होगी? इस तरह से कि आई वांट टू एक्सपोज समवन ऑलरेडी, जो कि एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन मैं शायद अपना व्यू देना चाहती हूँ। लेकिन मैं पर्सनली हमेशा से मेरे माइंड में ये है कि मैं किसी के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाऊँगी, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना बनता है। सो आई रियली वांट टू एक्सपोज अ लेडी हुज नेम इज़ भजिया, रनिंग अ चैनल एज भजिया कुकिंग। मेरा ख्याल है उनको एक्सपोज करना समहाउ रिवार्ड भी होगा फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी। सो मैंने सोचा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने उनकी वीडियोस, ऑब्वियसली मैं उनके सब्सक्राइबर थी फ्रॉम वन ईयर, मैं उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मेरा, जो मुझे जो क्वेश्चंस मेरे अलार्म होते थे माइंड में उनकी वीडियोस देख के, वो शेयर करूँगी। मैं एज कोई एज सच कोई प्रूफ जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं बताऊँगी, सिर्फ अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़ कि उनकी वीडियोस जो है मैंने देखना स्टार्ट की कोई वन ईयर अगो, और मैं मतलब कि उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगी और मैं आई जस्ट स्टार्टेड टू वॉच कंटिन्यूसली, और मैंने उनको सब्सक्राइब कर दिया और प्रॉपर वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी मैंने। सो लेकिन जैसे जैसे मैं उनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की हैं मैंने, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अलार्म कर रही थी वहाँ पे। लाइक आप जब किसी के सब्सक्राइबर होते हैं या किसी को आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपको उसकी रूटीन में जो चीज़ें हो रही होती हैं उन पे आपको कोई ना कोई माइंड में क्वेश्चन आता है। तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि इतनी ज़्यादा आप जो मतलब कि एक अब्रॉड में रहते हुए आप इतनी ज़्यादा ज़मीन के मालिक कैसे हो सकते हैं? मतलब पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोग उस वो फैसिलिटीज़, वो ज़मीन और उस तरह का हिसाब अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन हाउ शी इज़ एंजॉइंग ऑल दैट स्टफ़। दूसरी चीज़ जो मैंने पर्सनली नोट की वो ये थी कि मतलब कि वो इस तरह से इतने खूबसूरत से अंदाज़ में वो बोलती हैं, पोलाइटली उनका वे ऑफ टॉकिंग है, और अपना फेस ऑब्वियसली जब एक्सपोज नहीं करी तो शी इज़ ए रिलीजियस वूमेन, राइट। लेकिन फिर जो उसके साथ ही जो चीज़ मुझे थोड़ा सा माइंड में डाउट लेके आती थी, अलार्म करती थी, और जो मैं उनसे पूछना चाहती थी वो ये थी कि मतलब कि अगर आप इतनी रिलीजियस हैं, सो हाउ यू मैनेज दैट नेल पेंट, फुल टाइम नेल पेंट ऑन योर नेल्स, मतलब आपके हर टाइम नेल्स पे पेंट लगा रहता है, आप नमाज़ को कैसे कैरी करती हैं, मतलब कि नमाज को साथ साथ और नेल पेंट हर टाइम जो आप लगा के रख रही हैं, तो उसको कैसे आप मैनेज करती हैं अपनी नमाज को? सो ये चीज़ें थी। सो यहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा डाउट स्टार्ट हुआ, और मैंने उनको सर्च वगैरह ओबियसली यूट्यूब पे करना स्टार्ट किया, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस जो थी मैं एक्सपोज और इस तरह से मिलना स्टार्ट हुई, और विद प्रूफ मिलना स्टार्ट हुई। सो मुझे समझ आई कि ठीक है, जो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे वो क्वेश्चंस रियलिटी बेस्ड थे। सो ये बातें मैंने एक पर्सनली जो मैंने नोट की वो आप लोगों को इस वीडियो में शेयर की हैं। सॉरी मैं आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सकी, उसकी वजह यही थी कि मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए, सम हाउ इट्स रिवार्ड और इट विल बी रिवार्ड एज वेल, ठीक है, फ्रॉम अल्लाह। सो अगर आप मेरी बात के अगेंस्ट आए, मेरी बात पे एग्री करते हैं, सो आप लोग मुझे कमेंट नीचे करके बता सकते हैं, और कि अगर आपने भी एज ये चीज़ें जो हैं वो नोट की हैं। आई एम गोइंग बैक टू होम नाउ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, और इंशाल्लाह मैं जल्दी इंट्रोडक्शन की जो है वीडियो भी ऐड करूँगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।